निकालिए। हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, या हमारे बहन बेटियों के साथ, हमारे माताओं के साथ भी हो सकता है। उनके साथ जो घटनाएं हुई वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती हूँ, आप सभी ने वो वीडियोस देखा होगा। बहनों, भगवान न करे वो आप या मैं हूं। कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, या हमारे बहन बेटियों के साथ, हमारे माताओं के साथ भी हो सकता है। अगर FIR हुए, 30 दिन हुए और प्रधानमंत्री जी इनकी पूरी जो मंत्रालय, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनके साथ साथ मणिपुर का CM चुप रह सकता है, तो सोचिए ऐसे कितने वारदात होंगे देश में जो हमारी बहनों पे गुजर रही होगी, और वो लोगों के सामने उजागर नहीं हुआ है। मणिपुर में तो ऐसी कई घटनाएं हुई है, मणिपुर में इंटरनेट बंद किया गया ताकि ये चीजें लोगों के सामने भी ना आए। पर मैं पूछना चाहती हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लेके उनके सारे भाजपा के सभी नेताओं से, वैसे तो ईडी, IB सारे के सारे इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिलता है, वो सारे जो तंत्र, वो सारे एजेंसी आपके जेब में है, और ये वारदात आपके सामने उजागर नहीं हुआ है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। और अगर ये सच्चाई है कि ये वारदात आपके सामने 63 दिनों तक उजागर नहीं हुआ है, तो आपको अपने पदों पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश की महिलाएं, आप सभी जो हमारी बहने महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, पर जब हमारी बहनों की आबरू की बात हो तभी हम त्रस्त नहीं होंगे। ऐसे समय पे हम एलाने जंग कहेंगे। क्या ये डेमोक्रेसी है? हम सरकार से गुजारिश करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये सरकार गूंगी बैरी है। अरे गुजारिश तो इसे किया जाता है जो लोगों की बातें समझे, जो लोगों की बातें सुने, जो केवल अपनी मन की बात लोगों पे ना थोपे। प्रधानमंत्री जी, आप केवल भाजपा के प्रचार मंत्री नहीं हो, 140 करोड़ लोगों के आप नेतृत्व कर रहे हो, जिसमें से 50% महिलाएं हैं, और उस देश में महिलाओं की ये हालत हम महिला पैर नहीं देख सकते। बहनों, मैं दोबारा ये कहती हूं कि ये सिर्फ मणिपुर की बहनों की बात नहीं है, ये देश की महिलाओं की बात है। प्रधानमंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। जब 3 मई को हिंसा भड़की थी तो वो चुप क्यों थे? क्या 3 मई को वो अपना चुप्पी तोड़ के क्या वो राजनीति से उठना, या तभी भी वो कर्नाटक में व्यस्त थे चुनाव के भाषण देते हुए? दो महीने से ऊपर हो गए और अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ मिनट पहले
संसद में अपना मानसून सेशन के भाषण देते हुए कहा कि उसे मणिपुर के हिंसा पे खेद है और जो भी है इस वारदात के गुनेगार उसे बख्शा नहीं जाएगा। अरे असली गुनेगार तो आप हो प्रधानमंत्री जी, जिसने दो महीने तक अपना मौन अपना चुप भी नहीं तोड़ा है। हम महिलाएं आपको गुनेगार मानते हैं, हम महिलाएं स्मृति ईरानी को गुनेगार मानते हैं। ऐसे महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, अरे इस मंत्रालय का नाम ही बदल दे, महिला एवं बाल विनाश मंत्री के रूप में अपने आप को स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया। जब भी विपक्ष के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो भाजपा और उनका पूरे मंत्रालय और उनके पूरे ट्रोल मिनिस्ट्री कांग्रेस के लीडरों को और खास करके राहुल गांधी जी पे टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी जी जब मणिपुर पहुंचा तब उन्होंने ये कहा कि ढोंग है। अरे आप देखो, मणिपुर की बहनें बुला रही है राहुल गांधी जी को और कह रही है हमारी आवाज उठाओ, और राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ देश हित में, इंडिया के हित में हर कदम उठाया। जब जब देश हित में लोग अपनी आवाज उठाते हैं उस आवाज को दबाने का काम ये सरकार करती है, या तो ईडी सीबीआई या उनके सदस्यता ही रद्द कर देते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार, मणिपुर की भाजपा सरकार, केंद्र में बैठे सारे लोग, आपको अगर देश चलाना नहीं आता तो देश को अंधकार में मत धकेलिए। कल जब हमने ये वीडियो देखा है, मुझे विश्वास है जब लाखों महिलाओं ने, देश के लाखों करोड़ों महिलाओं ने ये वीडियो देखा है, उनकी रूह कांप उठी होगी। आज भी जब मैं कल पूरे रात सो नहीं पाई, जब भी अपने आंखें बंद कर रही थी तो उन बहनों का दृश्य मेरे सामने आता है। क्या नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।